हाय फ्रेंड्स, जय हिंद, गुड इवनिंग, वेलकम टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू स्टेक गुरुजी। इस वीडियो में एएमआई दिल्ली हाई कोर्ट का जो यस्टरडे का अपडेट है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। एक बहुत ही गुड न्यूज आ रही है गेट 2020 के लिए। फर्स्ट अपडेट आपसे डिस्कस करेंगे दिल्ली हाई कोर्ट का। सेकंड, 23/9 को जो हेयरिंग थी जिसमें एएमआई के फेवर में डिसीजन आया है गेट 2020 के लिए। जो गेट 2020 में कैंडिडेट को अप्लाई करना था आफ्टर 31 मई 2013 वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए एक गुड न्यूज आया है, ठीक है, ये आपके साथ डिस्कस करेंगे। आपको पहले कंटेंट दिखा देते हैं, ठीक है, उसके बाद आपको ये प्रूफ दिखाएंगे कि गेट 2020 में एप्लीकेशन स्टेटस कंफर्म हुआ है, एक्सेप्ट हुआ है, ठीक है, गेट 2020 की तरफ से। और फिर हेयरिंग जो 26/9 है इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। फिर सेकेंड, आप जो एलुमनाई मीट हुआ है इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया का एलुमनाई मीट के बारे में आपको बताएंगे, इनके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, ठीक है, क्या आगे के प्रोसीजर्स हैं, और जो इनका इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स और यूनियन ऑफ इंडिया के बीच में जो केस है जिसका फरवरी 2020 में जिसकी हियरिंग है उससे रिलेटेड अपडेट आपको प्रोवाइड करेंगे। एंड नेक्स्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ये जो दिल्ली हाई कोर्ट का कल का जो हियरिंग है यशपाल सिंह जाधव और AICTC का जो केस था, इसकी पूरी PDF है मेरे पास, लेटर है, इस लेटर में 12 पॉइंट्स हैं, इन 12 पॉइंट्स को आपके साथ डिस्कस करेंगे और बताएंगे। डिसीजन पॉजिटिव है, इनके फेवर में आया है, ठीक है, पहले क्लियर कर देता हूँ, ठीक। और फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और नेक्स्ट वीडियो लाने में हेल्प होती है, ठीक है। आपकी कोई भी क्वायरीज है तो ये मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, इंस्टाग्राम ये मेरी ID है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी क्वायरीज हो मैसेज कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गेट 2020 की वेबसाइट से, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले बता दें आज इसकी लास्ट डेट थी, यानी कि 24/9/2019 इसकी लास्ट डेट थी, ठीक है, लेकिन इसको एक्सटेंड कर दिया गया है कि इंपॉर्टेंट नोटिस आया है, बिकॉज ऑफ हैवी ट्रैफिक लोड इन द गेट एप्लीकेशन पोर्टल द लास्ट एप्लीकेशन डेट विथ नॉर्मल फीस हैज बीन एक्सटेंडेड टू 26/9/2019, ठीक है। तो 26/9/2019 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद मैं दिखा देता हूँ कि जो गेट के पेमेंट है स्टेटस AMI कैंडिडेट का अपसेक्ट हो गया है, ठीक है। जैसे आप ये देख लीजिए, ये AMI कैंडिडेट्स का स्क्रीनशॉट है। डियर गेट एप्लीकेंट, द स्टेटस ऑफ गेट 2020 एप्लीकेशन विद द एनरोलमेंट नंबर दिस इज फॉलो द एप्लीकेशन फाउंड टू बी ऑर्डर्ड हैज बीन अपसेक्टेड, थैंक यू गेट 2020, ठीक है। यानी कि गेट ने अपसेक्ट कर लिया है AMI कैंडिडेट्स का, ठीक है, जो प्रोफेशनल था। उसके बाद अब केस स्टेटस की बात करते हैं। मैंने आपको 23/9/2019 का बेसिक अपडेट दे दिया है, आज डिटेल अपडेट आपके साथ डिस्कस करेंगे। जो ऑफिशियल दिल्ली हाई कोर्ट का PDF आया है 12 पॉइंट्स में जो कि इन फेवर है उससे रिलेटेड आपसे बात करेंगे। और ये कोर्ट स्टेटस है, यानी कि अगर आप जाके दिल्ली हाई कोर्ट की वेबसाइट पर चेक करेंगे WPC 4059/2019 जो कि पेंडिंग है, जिसकी हेयरिंग है 26/9/2019 को यशपाल सिंह जाधव वर्सेस ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन AICTC, जिसके एडवोकेट हैं अभिनोरा, ठीक है। बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया, अब चलते हैं ऑफिशियल PDF के ऊपर जो है आपका दिल्ली हाई कोर्ट का, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें आपको विजुलाइज हो रहा होगा, डिस्प्ले हो रहा होगा। आप लोग अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम है अगर तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपने से भी रेड कर सकते हैं, ठीक है। ये आप देख लीजिए, ऑनरेबल जस्टिस राजीव जी 23/9/2019 का आपका अपडेट है, ऑर्डर का है, ठीक है। 12 पॉइंट्स में कवर करूंगा, सबसे पहले स्टार्टिंग से अपडेट स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले यशपाल सिंह जाधव एंड ORS ये पिटिशनर हैं, जिसमें थ्रू हैं मिस्टर उदय बेदी एंड सिंह एडवोकेट विद पिटिशनर नंबर 1 एंड 2 वर्सेस ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTC एंड ANR जो कि रिस्पॉन्डेंट हैं, ठीक है, और ये इनके थ्रू हैं, इतने ये लोग जो कि रिस्पॉन्डेंट 1 एंड रिस्पॉन्डेंट 2 हैं, ठीक है। और हाँ, हॉर्नेबल चीफ जो जस्टिस हैं वो राजीव जी हैं, ठीक है। ऑर्डर 23/9/2019 का है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डिस्क्रिप्शन के साथ, द फॉलोइंग डायरेक्शन आर सॉट ऑन द कैप्टन एप्लीकेशन डायरेक्ट रिस्पॉन्डेंट नंबर 1 AICTE टू अर्जेंटली विद इन 1 वीक रिमूव द कंडीशन सर्कुलर एंड एडवर्टाइजमेंट फ्रॉम ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन पब्लिक नोटिस सेक्शन ऑन देयर वेबसाइट एंड मोर पार्टिकुलरली ऑन ये जो वेबसाइट है,
ठीक है, इसके ऊपर जो AICTC ने अपना एडवर्टाइजमेंट और सर्कुलर लगा के रखा है उसको हटाने के लिए कहा गया है, ठीक है, जो कि इसमें देखिए लिखा भी है, इम्पार्टिंग टेक्निकल एजुकेशन विच इज स्टे बाय हॉनरेबल कोर्ट विद ऑर्डर डेट 1/5/2019 इन 4059 ऑफ 2019 और जो सेकंड है 31/5/2013 ठीक है, WPC 3790/2013 का, इसको हटाने के लिए कहा गया जो इसमें एडवर्टाइजमेंट इन्होंने लगा के रखा है, पहला तो ये पॉइंट था, ठीक है। और डायरेक्ट रिस्पॉन्डेंट नंबर वन कौन था, AICTC था, जो को अर्जेंटली बोला गया कि एक हफ्ते के अंदर आप इसको रिमूव कीजिए, जो इस वेबसाइट पे लिंक पे जाएंगे तो आपको जो खुलता है पेज कि नॉट वैलिड वाला है उसको हटाने के लिए कहा गया है, ठीक है, पहला पॉइंट ये बताता है। सेकेंड है द डायरेक्ट द रिस्पॉन्डेंट टू मेक नेसेसरी चेंज इन द पब्लिक नोटिस एज पर द स्टे ऑर्डर एंड टू कीप मॉडिफाई पब्लिक नोटिस अंटिल फाइनल डिसीजन ऑफ द हॉनरेबल दिस कोर्ट, ठीक है, यानी कि जो डायरेक्ट रिस्पॉन्डेंट थे उसमें जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आता है, फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता है हॉनरेबल कोर्ट का, तब तक कोई भी पब्लिक नोटिस नहीं लगाना है, ठीक है, डायरेक्टली। डायरेक्ट द रिस्पॉन्डेंट देन टू अर्जेंटली इन्फॉर्म गेट अथॉरिटी, डायरेक्ट एंड रिस्पॉन्डेंट को अर्जेंटली इन्फॉर्म करना है किसको, गेट अथॉरिटी को और एनी अदर अथॉरिटी अबाउट टू स्टे ऑर्डर ग्रांटेड बाई द हॉनरेबल कोर्ट एंड टू अलाउ द स्टूडेंट हु इनरोल्ड इन AMI कोर्स आफ्टर 31/5/2013 अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ स्टे ऑर्डर बाई द हॉनरेबल कोर्ट सिंस द कट ऑफ डेट ऑफ डेट 2020 एग्जाम इज 24th September, ठीक है। इस पॉइंट से आपको मैक्सिमम चीज क्लियर हुई होगी, ये जो पॉइंट कहा है कि डायरेक्ट एंड रिस्पॉन्डेंट को अर्जेंटली कहा है कि जो गेट अथॉरिटी है कि उनको इन्फॉर्म करो और ये स्टे ऑर्डर ग्रांटेड हॉनरेबल मिस जो 31/5/2013 के बाद वाले कैंडिडेट हैं, वो कैंडिडेट वो स्टूडेंट जो कि इनरोल हुए हैं AMI में 31/5/2013 के बाद, उनको अलाउ किया जाए गेट 2020 एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है गेट 2020 के लिए एग्जाम अलाउ किया जाए जो कि 24 सितंबर लास्ट डेट है, जो कि अभी एक्सटेंड भी होगी, मैंने आपको बताया अभी 26/9 हो गया है लास्ट डेट फीस सबमिट करने की, ठीक है, ये इनके फेवर में है। अब सेकंड पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट था पूरा कंप्लीट, ठीक है। मिस्टर देवेश दुबे एंड मिस्टर प्रकाश कुमार हु अपीयर फॉर द नॉन एप्लीकेंट एंड स्लैश रिस्पॉन्डेंट सेज दैट नो रिलीफ कैन बी गिवन इन द व्यू ऑफ जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रेंडर्ड इन द इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स इंडिया थ्रू द चेयरमैन वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर 2019 SCC ऑनलाइन SC 1023, ठीक है, ये भी एक पॉइंट है, ठीक है। फिर 2.1 इसमें है कि इन पार्टिकुलर द लर्न काउंसिल रिलाइज अपॉन द ऑब्जर्वेशंस मेड इन द पैराग्राफ 15 ऑफ द अफंडेंस जजमेंट, ठीक है, ये भी सब इन्हीं सबसे रिलेटेड ही है, मैं रेड कर देता हूँ, आप लोग लिसन कर लीजिए, ठीक है, सुन लीजिए। ऑन द अदर हैंड काउंसिल ऑफ द पिटिशनर इन द सपोर्ट ऑफ इज केस प्लेस्ड रिलायंस ऑन द जजमेंट रेंडर्ड बाई द पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट इन कट्टर सिंह वीएस यूनियन ऑफ इंडिया एंड ORS 2012 SCC ऑनलाइन PH 21066, ठीक है, बेसिकली इन्हीं सब चीज़ के ऊपर है, AMI को रिकॉग्नाइजेशन से रिलेटेड ही सारे पॉइंट्स रखे गए हैं, अलग अलग जिस जहाँ जहाँ भी प्रॉब्लम हुई होगी इन सब चीज़ को मेंशन किया गया है। और फाइनली फिफ्थ पॉइंट में क्या कह रहे हैं, आई एम इन्फॉर्म्ड दैट द कनेक्टेड मैटर आर कमिंग अप फॉर द हियरिंग बिफोर द कोर्ट 26/9/2019, तो 26/9/2019 को जो हियरिंग है उसी से रिलेटेड लिखा है कि उससे पहले हियरिंग कंप्लीट हो जाए, तो 26/9/2019 को हियरिंग है, मैंने आपको बताया भी है ये चीज़, ठीक है, पॉइंट्स आप भी रेड करते रहिए, ठीक है। द काउंसिल फॉर द पिटिशनर हैज अलाउड ड्रॉ माई अटेंशन टू द इंटरिम ऑर्डर डेट 31/5/2013 पास्ड बाई द कोर्ट इन कनेक्टेड विद रिट पिटिशन IE WP 3790/2013 वाया द इंटर्म ऑर्डर और डायरेक्शन हैज बीन पास्ड वाया OM, ठीक है, 6/12/2012 विथ रिस्पेक्ट टू डेडलाइन कंटेन रिकॉर्डिंग एनरोलमेंट द डेडलाइन पेवोटेड इन द OM, ये मेंशन है ये सब डेट, ठीक है, मींस इसमें सभी पॉइंट्स उन्होंने मेंशन किए हैं, जैसे कि आप सेवन पॉइंट भी देख लीजिए,
इट इज कॉमन ग्राउंड दैट द एंटायर इश्यू ऑन विच दिस मैटर विल टर्न्स एज टू वेदर और नॉट इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स फ्रॉम वेयर द पेटिशनर एक्वायर्ड द क्वालिफिकेशन इन द टेक्निकल इंस्टीट्यूट और नॉट. ठीक है, बेसिकली ये फेवर में आया है डिसीजन गेट 2020 के लिए. मैं कंक्लूजन बता दे रहा हूँ, ठीक है, AICTC के अगेंस्ट में है. ठीक है, मीन्स AICTC के अगेंस्ट में क्या है, गेट 2020 में जो एप्लीकेंट हैं IEI वाले, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया AMI वाले, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और फॉर्म उनके एक्सेप्ट हो रहे हैं. ठीक है, जो फॉर्म उनके हैं एक्सेप्ट हो रहे हैं, गेट एक्सेप्ट कर रहा है. ठीक है, और हॉर्नेबल हाई कोर्ट का डिसीजन भी 26/9 को आ जाएगा, जो कि मैं आपसे शेयर कर दूंगा. ठीक है, इन दिस बिहाफ मेड द फॉलोइंग एनरोलमेंट मेड इन विच अ पार्ट ऑफ द बाउचर इशू बाई IIT दिल्ली कॉन्करिंग गेट 2020. ठीक है, इसमें भी एक आर्टिकल है, देख लीजिए. द कैंडिडेट हु पॉसेस सर्टिफिकेट फ्रॉम एनी ऑफ द प्रोफेशनल सोसाइटी IE, ICE, IETE, AESI, IICHME, IIM, IIE और ये जितने इंस्टीट्यूट हैं, जितने प्रोफेशनल सोसाइटीज हैं, अगर इसमें आप इनरोल हुए हैं ऑन और बिफोर 31 मई 2013, यानी कि 31 मई 2013 से पहले यदि इनरोल हुए हैं तो आप एलिजिबल हैं गेट 2020 के लिए. ये सारी जो प्रोफेशनल बॉडी है, इसमें IE का नाम नहीं है, ठीक है, इनमें अगर इनरोल हुए हैं तो आप केवल 31 मई 2013 से पहले अगर हुए हैं तब एलिजिबल गेट 2020 के लिए. ठीक है, और द कैंडिडेट हु हैव इनरोल्ड विद द इंस्टीट्यूशन आफ्टर 31 2013 आर नॉट एलिजिबल. जो बाद में हुए हैं वो एलिजिबल नहीं है. ठीक है, वाया द पब्लिक नोटिस, और ये पब्लिक नोटिस का ये लिंक है, सेम नोटिस जो मैंने ऊपर बात किया. ठीक है, गिव दीज सर्कमस्टेंसेस प्योरली एज अ प्रिटेम्प्ट मेजर एज द मैटर रिक्वायर्ड फॉर द हेयरिंग एंड इट इज ऑलरेडी 6 PM IIT दिल्ली फ्रॉम फॉर द मूवमेंट विल एक्सेप्ट द एप्लीकेशन ऑफ द पेटिशनर सब्जेक्ट टू द फारेस्ट ऑर्डर ऑफ द कोर्ट. द रिस्पॉन्डेंट विल फाइल देयर रिप्लाई टू द कैप्टॉइंट एप्लीकेशन बिफोर द नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग री नोटिफाइड दैट कैप्टॉइंट एप्लीकेशन ऑन 26/9/2019. री हेयरिंग होगी, उस दिन मैं आपको अपडेट दे दूंगा. फेवर में है, गेट के फॉर्म एक्सेप्ट होने लगे हैं. ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स. ठीक है, और कोई भी क्वेरीज हो इंस्टाग्राम पर आप क्वेश्चन कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट और अपडेट है, वो भी आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं. एलुमनाई मीट, जो इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स का एलुमनाई मीट हुआ विशाखापट्टनम में, उनमें देखिए मीट हुआ तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्या था, सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको जानना ऑब्जेक्टिव क्या था इनका. ऑब्जेक्टिव ये था कि देयर आर मेनी बर्निंग इशूज ऑफ AMI रिकॉर्डिंग द रेगुनाइजेशन. सबसे मेजर जो इशू है इस समय, इशू है वो रेगुनाइजेशन का. ठीक है, AMI का इससे बड़ा कोई इसमें इशू नहीं है. ठीक है, एज पर बी और बी टेक के पर में. ठीक है, द इशू ऑफ नॉन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ AMI इज नोन टू एवरीवन, सब लोग जानते हैं. IEI काउंसिल इज नॉट रिएक्टिंग प्रॉपरली और नॉट पेइंग एनी इंटरेस्ट इन सॉल्विंग दिस मेजर इशू. जो IEI का काउंसिल है आर नॉट रीचिंग प्रॉपरली एंड हैविंग नॉट पेइंग एनी इंटरेस्ट इन सॉल्विंग द मेजर इशू. जो IEI है वो कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है इसको सॉल्व करने के लिए. सबसे मेजर प्रॉब्लम ये है. ठीक है, सेकेंड थिंग, नॉट पेइंग प्रॉपर इंटरेस्ट एज द इशू ऑफ द मैटर प्रेस्टीज एंड सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ एवरी सीनियर मेंबर ऑफ एलुमनाई एंड ऑल्सो इट इज अ लाइफ एंड डेथ इशू फॉर मेनी यूथ AMIs हु बर्न देयर मिड नाइट ऑयल टू पास द AMI एग्जामिनेशन सीरियसनेस ऑफ द इशू वॉज आइडेंटिफाइड बाई AMIs एंड टू डिस्कस द इशू इंक्लूडिंग द मेजर इशू मीटिंग हैज बीन अरेंज एट हैदराबाद ऑन 8 सितंबर 2019 10 AM फॉर विच 4 रिप्रेजेंटेटिव हैव अटेंडेंट फ्रॉम विशाखापट्टनम.
ठीक है, तो उसी से रिलेटेड इनका एलुमनाई मीट हुआ, इसका भी एक अपडेट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि एलुमनाई मीट में क्या इंपॉर्टेंट हुआ, क्या डिस्कशन हुआ एलुमनाई मीट का। ठीक है, बेसिकली मैं आपको अपडेट दे दिया हूँ कि एलुमनाई मीट हुआ है और मैक्सिमम चीज़ पॉजिटिव है। ठीक है, रिस्पॉन्स पॉजिटिव है, प्रिपरेशन करें जिन्होंने मेंबरशिप ले लिया है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, विश यू बेस्ट ऑफ लक।